डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ पुलिस के गले की हड्डी बन गए हैं 28 ऊंट। दरअसल करीब 4 साल पहले कुर्बानी के लिए लाए गए इन 28 ऊंटों को पुलिस ने जब्त कर जिस युवक के सुपुर्द किए थे वह गायब है। तब युवक ने खुद को मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स का सदस्य होना बताया था, लेकिन अब संस्था ने भी इस दावे से इनकार कर दिया है। पीड़ित व्यक्ति ने ऊंट वापसी के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन पुलिस से लेकर तमाम प्रशासनिक अफसरों ने उसे टहला दिया। अब हाईकोर्ट ने पीड़ित को ऊंट लौटाने के आदेश दे दिए हैं, तो पुलिस परेशानी में पड़ गई है। 4 साल बाद आखिर वह ऊंट कहां से लाए? हाईकोर्ट से आदेश लाने वाले का नाम अनस कुरैशी है और वह मेरठ के लिसाड़ी गेट का रहने वाला है। इस बारे में अनस कुरैशी ने यह जानकारी दी। घटना यह हुई थी कि हम ऊंट लेकर आए और बेचने के लिए, और पुलिस आई और सबको मारा और छीन कर ले गई, और ले जाने के बाद हम अधिकारियों में गए, उनसे बात अपने ऊंट मांगे तो उन्होंने हमें मतलब इस तरह का भगा दिया। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने कुछ दिलचस्पी दिखाई, उन्होंने कुछ ऑर्डर वगैरह भी करे, फिर उन्होंने भी चलता कर दिया। अब उसके बाद हम थाने वगैरह गए, 2-4 जगह गए, तो मतलब चलता मजबूरी में मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा। तो मेरा माल था, मजबूरी थी मेरी, मैं परेशान था, मैंने लोगों से पैसे लेकर माल लिया था, क्या करता मैं, हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, उस ऑर्डर की कुछ मतलब कोई बात नहीं मानी, फिर दोबारा हाईकोर्ट गया, तो अब 18-3 लगी है। हाईकोर्ट जाने पर ही कुछ अब तक मुझे कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, बाकी अब भी कुछ ऐसे वो नहीं है। हाईकोर्ट के बाद भी कुछ मतलब मेरा माल नहीं मिल रहा, मुझे पैसे मिल रहे ना मेरा माल मिल रहा। क्या चाहते हो? मैं चाहता मैं यह हूँ कि मुझे मेरा माल या पैसे मिलने चाहिए हर कीमत पर। और जो गुनहगार है वो तो कोर्ट करेगी, क्या करना है, कोर्ट के हाथ में है, तो कोर्ट फैसला कर दिया। मैं चाहता हूँ कि बस मुझे तो मेरा माल मिलना चाहिए या पैसे मिलने चाहिए, गुनहगार को कोर्ट दे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।